अगर आप कहीं भी घूमने का सोच रहे हैं या छुट्टियों की प्लानिंग कर रहे हैं पर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कहाँ जाकर अपनी छुट्टियाँ बिताना है, तो आप पटना के टूरिज्म फेयर में जाकर अपनी छुट्टियों की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं और साथ ही अलग अलग शहरों के प्रसिद्ध स्थलों को भी जान सकते हैं। जी हाँ, पटना के टूरिज्म फेयर में आप जाकर अपनी छुट्टियों की प्लानिंग कर सकते हैं। ये फेयर पटना वन मॉल के बाहरी परिसर में लगाया गया है। 3 दिवसीय ये फेयर आप 7 फरवरी से शुरू हुआ है जो कि 9 फरवरी तक रहेगा और टाइमिंग की बात करें तो 11 से रात 8 बजे तक आप इस फेयर को जाकर घूम सकते हैं। कलकत्ता में भी ऑफिस है, दिल्ली में भी है। हम लोग ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं। ये टूरिज्म पर्यटन मेला हम करते हैं और लगातार ये 3rd ईयर है हम पटना में कर रहा है। बिहार में कोई भी नहीं करता था, हम लोग स्टार्ट किया। ये है एक अवेयरनेस का चीज जिसमें जो आदमी बिहार के जो आदमी है, खासकर पटने के जो रहने वाले हैं, उनको घूमने का जिसका शौक है उसको इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाए। और ये मेले में आने के लिए कोई एंट्री फी नहीं रखा गया और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वो भी बिना शुल्क के है। और ये 3 दिन का मेला होता है, आज 2nd दिन है, कल 3rd दिन ख़त्म हो जाएगा रात 7 बजे तक। और यहाँ अभी हमारा 4-5 स्टेट टूरिज्म है, जैसे साउथ से तेलंगाना है, गुजरात है, बिहार का है, झारखंड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंडिया टूरिज्म है और इग्नू भी है हमारा साथ, इग्नू का ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अगले साल भी हम लोग करेंगे, करते जाएंगे। प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उनको हर एक तरह का पैकेज यहाँ पर मिल जाता है।